साथ दीक्षा भारती है। भाजपा प्रत्याशी शंकर लालवानी गुरुवार को छावनी मंडी पहुंचे और व्यापारियों से मेल मिलाप करते हुए वोट मांगे। लालवानी के साथ लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन भी थी। महाजन और लालवानी को व्यापारियों ने अपनी अपनी समस्याएं बताई। व्यापारियों की बरसों से प्रमुख मांग छावनी मंडी को शहर के बाहर जाने की है, लेकिन मामला शिवराज सरकार के समय से ही टीएनसीपी डिपार्टमेंट में अटका हुआ है। भाजपा नेताओं ने व्यापारियों को मांगे पूरी करने का आश्वासन दिया। इंदौर से लोकसभा चुनाव जीतने का रिकॉर्ड बनाने वाली सुमित्रा महाजन का टिकट भले ही इस बार भाजपा आलाकमान ने काट दिया हो, लेकिन फिर भी वे नाराज होकर घर बैठने की बजाय लालवानी के लिए दौड़ भाग करती नजर आ रही हैं। लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन भाजपा प्रत्याशी शंकर लालवानी के साथ गुरुवार दोपहर छावनी अनाज मंडी पहुंची। नेताओं की ये टोली ऐसे समय मंडी पहुंची जब नीलामी चलती है और व्यापारी अनाज खरीदी बिक्री के लिए बड़ी संख्या में रहते हैं। व्यापारियों के बीच पहुंचकर लालवानी और ताई ने मेल मिलाप किया। ताई ने बोरों में से अनाज हाथ में लेकर उनके दाम क्वालिटी के बारे में पूछताछ की। लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कहा कि हमें छावनी मंडी के व्यापारियों का सहयोग हमेशा मिलता आया है, इस बार भी मिलेगा। केंद्र की भाजपा सरकार ने व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा काम किया है। अनाज मंडी में व्यापारियों के बीच में आज मैं भी हूँ, यहाँ शंकर भैया भी यहाँ आए थे सबको मिलने के लिए। वैसे तो अनाज मंडी में मेरा साल में दो बार को भी आना होता ही और मिलते रहते हैं, एक दूसरे की समस्या समझते रहते हैं। आज विशेष रूप से चुनाव की दृष्टि से हम यहाँ पर उपस्थित हैं। शंकर भैया को सबको व्यक्तिगत रूप से मिला रहे थे, मिल रहे हैं और उनको व्यापारियों को समर्थन मांगने के लिए, उनका समर्थन मांगने के लिए आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं। वैसे यहाँ के सभी व्यापारियों का सतत सहयोग हमें हर काम में मिलता आया है। हालांकि पार्टी के काम में तो मिलता ही है, मगर सामाजिक काम जब जब भी हम करा करते हैं, जैसे अहिल्योत्सव में यहाँ के हर व्यापारी मन से सहयोग देता है तो मैं यहाँ आती रही। उनके यहाँ भी जब दीपावली की पूजा होती है तो भी हम जरूर सभी लोग आते हैं, हम भी आते हैं। छावनी अनाज मंडी को शहर से बाहर करने की मांग व्यापारी बरसों से कर रहे हैं। केलोद करताल के यहां बाईपास पर मंडी को शिफ्ट करने के लिए जमीन भी देखी गई है, लेकिन मामला टीएनसीपी डिपार्टमेंट भोपाल में अटका हुआ है। शिवराज सरकार के समय से ही ये मामला ठंडे बस्ते में है। भाजपा ही पहुंचे तो व्यापारियों ने फिर समस्या बता दी। व्यापारियों से मिलने के बाद भाजपा प्रत्याशी शंकर लालवानी बोले कि हम भी व्यापारी हैं, व्यापारी हमारे हैं और सुख दुख में हम साथ रहते हैं। मंडी शहर से बाहर ले जाने का वादा भी लालवानी ने व्यापारियों से किया। उधर व्यापारियों का कहना है कि हमारे लिए दोनों ही पार्टी के नेता एक समान हैं। मंडी में जब भी कार्यक्रम होते हैं तो हम दोनों पार्टी के नेताओं को बुलाते हैं, समस्याएं हल करवाने का आश्वासन लालवानी और ताई से मिला है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।